एक दिन एक आदमी अपने ऑफिस से जल्दी निकल गया था। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी। ठंडी हवा मन को बहुत सुहा रही थी। पास में ही एक नया पार्क जिसका नाम था गुलाब वाटिका बना हुआ था। उस दिन उस आदमी के कदम खुद ब खुद पार्क की तरफ बढ़ते चले गए। पार्क में पैदल चलने वालों के लिए बढ़िया मार्ग बना हुआ था। बीच बीच में आराम करने के लिए कुर्सियाँ, बच्चों के खेलने के लिए झूले, सुंदर फूल और वृक्ष लगाए गए थे। पार्क में मिट्टी का एक ढेर पड़ा था जो बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो गया था। वह बाईं तरफ से कीचड़ से बचते बचाते निकल ही रहा था कि उस पर हमला हो गया। पहला हमला, दूसरा हमला और तीसरा हमला ऐसा लगातार होता रहा। इस हमले में उसे कोई चोट नहीं लग रही थी, ना कपड़े गंदे हो रहे थे, सिर्फ हंसी आ रही थी क्योंकि एक छोटी सी तितली उसके ऊपर बार बार अपनी पूरी ताकत से आकर टकरा रही थी। वो आदमी पीछे हट गया तो तितली शांत हो गई, पर जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया तितली फिर से हमला करने लगी। जैसे ही उस आदमी ने दूसरी ओर से चलने के बारे में सोचा तो वो तितली पीछे हट गई और कीचड़ के पीछे की तरफ जाकर बैठ गई। वहीं एक और तितली पड़ी थी जो घायल थी, कोई उसके पंख तोड़कर चला गया था और वो अंतिम सांसें गिन रही थी। शायद इसीलिए दूसरी तितली उस आदमी पर बार बार हमला कर रही थी कि वो आगे ना जाए और उसके पैर गलती से भी उस जख्मी तितली पर ना पड़ जाएं। इतनी नन्ही सी तितली इंसान से भी सिर्फ इसलिए टकरा गई कि शायद उसे उस जख्मी तितली के साथ कुछ और पल बिताने के लिए मिल जाएं। उस नन्ही तितली ने उस आदमी को सिखा दिया कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका मुकाबला करना चाहिए, यानी अपने हित के लिए किसी से भी टकराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि सीधे स्वभाव के व्यक्ति कभी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन बात जब उनके अधिकारों के हनन की होती है तो वो मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन मायूस और दुखी होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको आगे आकर अपने हक के लिए लड़ना होता है। उस तितली में कितनी शक्ति थी जो उस आदमी से टकरा गई। वो आदमी चाहता तो कुछ ही सेकंड में तितली को मसल सकता था। उस तितली के हौसले को देखकर उस व्यक्ति के दिमाग पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा कि इतनी छोटी सी तितली मुझसे क्यों टकरा रही है। जब उस आदमी को उसकी वजह पता चल गई तो उस व्यक्ति ने अपना रास्ता बदल दिया। तो यह ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, यह ज़रूरी है कि वो मानसिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। यदि आप मानसिक रूप से किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, हौसला रखते हैं, तो निश्चय रूप से विजय भी आपकी होती है।